हाय दोस्तों, जैसा आपने आज थंबनेल में देखा कि आज हम बात करने वाले हैं गूगल क्रोम पे सीसीटीवी कैमरा प्ले करने के बारे में। तो आप में से काफी सारे लोगों को थंबनेल देख के लगा होगा कि आज की वीडियो में कुछ नया सीखने को मिलेगा जो अभी तक इस फीचर को यूज नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग मास्टरमाइंड भी हैं मेरे चैनल पे जो कि वीडियो देखते हैं, बाद में कमेंट करते हैं ये चीज तो हम 2 साल से कर रहे हैं या ये चीज तो हम 5 साल से कर रहे हैं। सो ये वीडियो आपके लिए नहीं है जो कि आप 5 साल से 2 साल से करते आ रहे हैं। ये वीडियो उनके लिए है जिनको इस फीचर के बारे में पता नहीं है। गाइस, होता क्या है कि हम जब सीसीटीवी कैमरा अपने पीसी या लैपटॉप में प्ले करते हैं थ्रू आईपी एड्रेस, एक तो होता है सॉफ्टवेयर के थ्रू, जैसे हिकविज़न ने इंस्टॉल किया तो IVMS 4200 एक ऐप होती है, सॉफ्टवेयर होता है जिसके बारे में वीडियो बना चुका हूं। सीपी प्लस के लिए KVMS प्रो होता है, दहुआ के लिए स्मार्ट PSS होता है। तो ऐसे काफी सारे सॉफ्टवेयर आते हैं जो कि DVR को प्ले करने के लिए काम करते हैं। लेकिन अब कई बार दिक्कत क्या होती है कि सपोज आप कस्टमर के यहाँ पे कैमरा इंस्टॉल करने गए और आपको जस्ट उसके लैपटॉप या पीसी पे प्ले करना है, तो वहां पे हम क्या कहता हूं आपसे कि आप इंटरनेट एक्सप्लोरर इंस्टॉल कीजिए क्योंकि वो सपोर्ट करता है। गूगल क्रोम में प्लगइन डाउनलोड करने के बाद भी कैमरे रन नहीं करते 90% कर जाते हैं। लेकिन जो दिक्कत 90% आती है वो प्रॉब्लम कैसे आप खत्म कर सकते हैं, ये वीडियो आपके लिए है। गाइस, अगर आप गूगल क्रोम भी यूज कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा जिससे कि आपके जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो प्ले हो जाए, कोई भी दिक्कत नहीं है। चाहे वो DVR कोई भी कंपनी का हो, हिकविज़न, सीपी प्लस, दहुआ, काफी सारे DVRs आते हैं, तो कोई भी DVR हो कोई मैटर नहीं करता, आपका DVR आपके कैमरे आपके पीसी या लैपटॉप पे थ्रू आईपी एड्रेस प्ले हो जाएंगे, कोई भी इश्यू नहीं है। मैं आपको लेके चलूंगा अपनी पीसी की स्क्रीन में जहां पे आपको पूरा प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूं कि आपको क्या करना पड़ेगा जिससे कि आपकी प्रॉब्लम जो है, जो कि गूगल क्रोम पे आपके कैमरे अभी तक प्ले नहीं होते थे, वो प्ले होने स्टार्ट हो जाए। गाइस, अगर आपने मेरी पीसी की स्क्रीन देखी और वो आपको ब्लर लग रही है, मतलब आपको क्लियरिटी नजर नहीं आ रही, तो ये कई लोग मुझे कमेंट करते हैं कि भैया आपकी जो क्लियरिटी है वो अच्छी नहीं है। तो ये इशू मेरी क्लियरिटी का नहीं है, ये इशू आपके यहाँ पे आपकी इंटरनेट स्पीड का है। एक्चुअली होता क्या है, यूट्यूब में एक फीचर है कि जब हम अपना इंटरनेट वर्क करते हैं अगर हमारे नेट की स्पीड स्लो होती है तो वो रेजोल्यूशन कम कर देता है। तो आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप क्लियरिटी को बढ़ा सकते हैं, आपको क्या सेटिंग करनी पड़ेगी जिससे कि जो मैं सेटिंग कर रहा हूँ वो आपको क्लियरली दिखे। तो आपको लेके चलूंगा पीसी में, और अगर आपके साथ ब्लर इमेज आ रही है तो आपको क्या करना पड़ेगा वो आपको दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों देखिए, ब्लर इमेज कुछ भी नजर नहीं आ रहा, तो दिक्कत क्या होती है, यूट्यूब के एंड से सेटिंग पे जाना पड़ता है, जो नीचे सेटिंग का टैब दिख रहा है आपको, सेटिंग वाले टैब पे आपने क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करेंगे, ये चाहे कोई भी हो, चाहे वीडियो हो चाहे पीसी आ रहा हो, तो यहाँ पे क्वालिटी का ऑप्शन आएगा, जो मेरा 144p पे है, तो सबसे ऊपर 720p, जो मेरी वीडियो है वो HD क्वालिटी में होती है, 720p पे होती है। तो देखिए एकदम से क्लियरिटी आ गई। सो ये ऑटोमेटिकली आपके जो इंटरनेट की स्पीड है उसके अकॉर्डिंग ये कर लेता है अपने आप ही, अगर स्पीड कम आ रही होगी तो क्लियरिटी कम कर देगा। तो कई लोग कंप्लेन करते हैं कि आपके वीडियो में क्लियरिटी नहीं है, तो सिंपली उनके जो इंटरनेट की स्पीड है उसमें क्लियरिटी नहीं होती, तो आप सिंपली सेटिंग पे जाएंगे, जैसे 720p है अगर इसको 480p कर देंगे तो हल्की क्लियरिटी कम हो जाएगी, लेकिन जैसे इसको हम 144p करेंगे तो पिक्चर पूरी ब्लर हो जाएगी। तो ब्लर की जो इशू है वो आपकी सेटिंग का इशू है, मेरे यहाँ से इशू नहीं है। ऑटो पे करेंगे तो ऑटो पे क्या होता है कि जो भी आपकी नेट की स्पीड होगी, मेरी स्पीड अच्छी है तो मेरा अभी ब्लर जो है वो ठीक हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि मेरी स्पीड अच्छी आ रही है। तो मैंने जो गूगल ने इसलिए लिया है, यूट्यूब ने 480 लिया है मेरा, तो 720p पे और अच्छी क्लियरिटी हो जाएगी। हो सकता है आपका नेट बफर करे लेकिन नेट की स्पीड पे पूरी अच्छी आएगी। तो आगे कैमरे की स्क्रीन पे, तो आपने क्या करना है, मेरे यहाँ पे 2 कैमरे अभी मैंने HD का रखे हैं और बाकी 6 को मैंने IP कर दिए हैं। तो सेटिंग पे चल के देखते हैं एक बार, नेटवर्क में चलते हैं। सो गाइस, यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरा IP एड्रेस, तो आपने फर्स्ट टाइम एनेबल DHCP करना है अगर आपके यहाँ पे राउटर लगा हुआ है। तो अगर राउटर लगा है तो एनेबल DHCP करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो आपका राउटर का IP एड्रेस होगा उसके अकॉर्डिंग की IP उठा लेगा। तो आप देख रहे हैं मेरा उठा लिया 192.168.0.106, सो ये ऑटोमेटिकली मेरा IP उठा लिया है। तो अब इस पर DHCP डिसेबल कर दूंगा ताकि बार बार ये चेंज IP ना करे, जब भी राउटर बंद करके स्टार्ट होगा वरना ये IP चेंज हो जाएगा। तो मुझे PC पे चलाना है तो मुझे DHCP को डिसेबल करना पड़ेगा। अप्लाई कर दिया, अब आप चलते हैं एक बार ही बाहर, और एक बार मैं कैमरा ऐड करता हूँ। मैंने IP वाईफाई कैमरा लगाया हुआ है, तो उसकी वीडियो बनाई थी लास्ट मैंने कैसे आप वाईफाई कैमरे को हिकविज़न DVR में ऐड कर सकते हैं। तो मैं सिंपली IP कैमरे के प्लस पे क्लिक करता हूँ और जो मेरा वाईफाई कैमरा है उसको ऐड करके देखता हूँ।
सो गाइस देख रहे हैं आप नीचे दो आईपी आ गए, मेरे दो वाईफाई कैम लगे हुए हैं, तो मैं एक को किसी को भी सिलेक्ट करके ऐड कर देता हूँ ऑनविफ के अंदर, क्योंकि मेरा लोकल कैमरा है। सो आप देखेंगे यहाँ पे कैमरे की डिस्प्ले आ जाएगी मेरी। सो गाइस कैमरा मेरा चल गया है, प्ले हो गया है, आप देखेंगे बड़ा करके तो मेरा कैमरा चल रहा है। सो अब इस कैमरे को हमें देखना है इंटरनेट एक्सप्लोरर पे। सो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले चलते हैं सेटिंग पे और देखते हैं आईपी एड्रेस। तो हमारा आईपी एड्रेस जो है 192.168.0.106 है। आपको ये चीज़ नोट करनी है कि इस आईपी को ही आपने एक्सप्लोर में डालना है। तो ये मेरा आईपी एड्रेस है, लैन वायर में लगा दी है डीवीआर से लेकर राउटर तक की। सो अब क्रोम पे एक बार आईपी एड्रेस डालते हैं जो कि है 192.168.0.106। तो मेरा डीवीआर का पेज ओपन हो गया है। यहाँ पे डालना है डीवीआर का यूजर नेम और पासवर्ड। अगर आपको पासवर्ड नहीं पता तो आपको रीसेट करना पड़ेगा। रीसेट करने के लिए आप मेरी वीडियो देखते हैं एसडीपी टूल्स वाली। सो यहाँ पे अगर हम कैमरा प्ले करेंगे तो आप देखेंगे गूगल क्रोम सपोर्ट नहीं करेगा, मेरा कैमरा प्ले नहीं हो रहा। अब गूगल क्रोम पे हम किस टाइप से हेडिंग करें कि हमारे यहाँ पे कैमरा प्ले हो जाए। कई बार यहाँ पे लोगों को प्लगइन मांगता है, तो मेरा प्लगइन भी नहीं मांग रहा, कुछ नहीं मांग रहा, यहाँ पे मेरा प्ले नहीं हो रहा। लेकिन अब आपने करना क्या है, आपको जाना है अगेन एक टैब पे, यहाँ पे google.com पे आपने सर्च करना है क्रोम वेब स्टोर। गाइस क्रोम वेब स्टोर एक क्रोम का ही वेब स्टोर है। तो आप देखिए नीचे आप देखेंगे तो chrome.google.com क्रोम वेब स्टोर नाम से आ गया। तो इसको क्लिक करना है आपने। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे आपने सर्च करना है IE स्पेस देखे TAB टैब, IE टैब। जब आप ये सर्च करेंगे तो पहला पहला ऑप्शन आएगा आई टैब का, तो आपने इसको इंस्टॉल करने के लिए क्लिक करना है। आप देखते हैं 21,000 से ज़्यादा लोग रिव्यू दे चुके हैं, 50 लाख से ज़्यादा लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। सो इसी को ही आपने इंस्टॉल करना है। क्रोम में जोड़ें, एड टू क्रोम का ऑप्शन आ रहा होगा आपके ऊपर, यहाँ पे ब्लू रंग का जो मेरा यहाँ पे साइन आ रहा है, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है और इसको ऐड कर देना है, ऐड एक्सटेंशन। ऐड एक्सटेंशन क्लिक करते ही आप देखेंगे तो एक डाउनलोडिंग स्टार्ट होगी छोटी सी और वो डाउनलोड हो जाएगा। गाइस मेरा हो गया है। ऊपर देखेंगे तो प्लगइन का ऑप्शन है, यहाँ पे आई टैब को आप पिन कर सकते हैं ताकि वो बाहर आ जाए इससे। तो मेरा बाहर आ गया है। एक बारी ओपन करते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर को। सो मेरा क्रोम के अंदर ही एक्सप्लोरर खुल गया। कई जगह होता है ऐसा इशू है कि क्रोम के अंदर कैमरे चलते नहीं है और एक्सप्लोरर इंस्टॉल नहीं होता, तो आप बिना एक्सप्लोरर को इंस्टॉल किए यहाँ पे क्रोम में ही आई टैप करके एक्सटेंशन डाल सकते हैं। और यहाँ पे आपने डालना है डीवीआर का आईपी एड्रेस जो कि है 192.168.0.106। मेरे डीवीआर का जो यूजर नेम पासवर्ड है वो यहाँ पे डालना है। तो आप इसको पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे तो आप देखेंगे गाइस कि यहाँ पे मेरा जो डीवीआर है वो ओपन हो गया। एक बार कैमरा ओपन देखते करके कि मेरा कैमरा ओपन हो रहा है, जो कैंसिल कर देते से। सो देखेंगे तो मेरा कैमरा ओपन हो गया और कोई भी दिक्कत नहीं है। सो गाइस ये सिंपल सा फॉर्मेट था कि कैसे आप अपने जो पीसी या लैपटॉप है उस पर क्रोम के अंदर भी कैमरे को प्ले कर सकते हैं। और भी इसमें दो तीन सेटिंग्स होती हैं जिसकी वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है। कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में राइट कीजिए। तो दोस्तों आपने देखा कैसे आई टैप करके एक प्लगइन है जो कि गूगल क्रोम के वेब स्टोर मिलेगा आपको, उसको इंस्टॉल करके आप अपने क्रोम को भी एक्सप्लोरर के रूप में यूज कर सकते हैं। सो अगर अभी तक आपको ये फीचर के बारे में नहीं पता था तो इस वीडियो को लाइक करना तो बनता ही है। गाइस आपके सारे कमेंट मेरे पास आ रहे हैं और ये मैं ट्राई कर रहा हूँ कि एवरी संडे आपके कमेंट का आंसर दूँ। कल संडे को मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें दिखाया था कि मैंने काफ़ी सारे कमेंट, 10 से 12 कमेंट मैंने उसमें लिए थे। सो गाइस आपके जो भी कमेंट इस वीक के आएंगे तो संडे को उसकी वीडियो लेके आऊँगा। तो कमेंट कीजिए अगर कोई मन में क्वेश्चन रह गया है। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। काफ़ी सारी यूनिक आइटम, काफ़ी सारे यूनिक फीचर्स मेरे चैनल पे मिलते हैं रिगार्डिंग सीसीटीवी कैमरा एंड सिक्योरिटी सिस्टम के रिगार्डिंग। सो थैंक यू सो मच, आप लोग इतने एंड तक इस वीडियो बने हुए हैं। भगवान आपका दिन शुभ करे। थैंक यू सो मच।